अब तक हमने कहानी में देखा था कि किसेचु के अटैक से किरारा एंजो की काफी पास आ चुकी होती है किरारा का डार्क साइड बोल द कम से कम अपनी फीलिंग्स के प्रति ऑनेस्ट रहो। और अब कहानी में आगे किरारा को अपना डार्क साइड तब से दिखाई देने लगा जब उसने एक किसेचु को मारा था। किरारा बोलती है वो सब तो ठीक है लेकिन तुमने इतने एम्बैरेसिंग कपड़े क्यों पहने, जिस पर डार्क किरारा बोलती ये सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की इनोवेशन है। जिस पर किरारा बोलते दफा हो जाए लेकिन तभी वहाँ पर एंजो आ जाता है। एंजो को लगता है कि किरारा उसी कल की हरकत की वजह से उससे नाराज है तो वो तुरंत उससे माफी मांग लेता है लेकिन किरारा बोलते कि एंजो मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। जिस पर एंजो बोलता तो फिर इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है। तभी डार्क किरारा बोलते कि तुम्हें एग्जांपल की जरूरत है और वो एंजो पर जाकर बैठ जाती है। जिस पर किरारा डार्क किरारा को अलग करने के चक्कर में एंजो को धक्का मार कर वहाँ से भाग जाती है। एंजो चिल्लाकर पूछता है मैंने किया क्या है। तभी हमें किरारा को दिखाया जाता है। डार्क किरारा बोलते तुम्हें पता है ना कि तुम ही मुझे देख और सुन सकती हो, ऐसी हरकतें मत करो जिससे तुम्हें लोग पागल समझे। और बेचारे एंजो को तो तुमने यूं ही धक्का मार दिया। फिर हमें एंजो को दिखाया जाता है। एंजो जब अपने स्कूल से बाहर निकलता है तो उसे स्कूल के बाहर टोक्यो की एक्स एरो ब्रांच की सीको मिलती है। सीको डायरेक्ट एंजो से पूछते क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिस पर एंजो बोलता किरारा बिल्कुल भी नहीं, हम बस शायद अच्छे दोस्त हैं। जिस पर सीको बोलते ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम लोग एच पार्टनर बन सकते हैं जिससे हम अपनी एच एनर्जी को और बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा किसी एच को एलिमिनेट कर पाएंगे और अपना नंबर देकर सीको तेजी से वहाँ से निकल जाती है। लेकिन किरारा भी उसे जाते हुए नोटिस करती है। फिर हमें अगले दिन एंजो को दिखाया जाता है। सीको एंजो को अपनी नई ड्रेस की फोटो भेजती है लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ में आता कि फोटो अच्छी नहीं है तो वो अपनी ड्रेस उतार कर फोटो भेजती है जिसे एंजो देखकर बोलता शायद एक स्पैम ग्लिच की वजह से ये फोटो मुझ पर आ गई होगी। फिर हमें अगले दिन एंजो को दिखाया जाता है। एंजो जब अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है तभी वहाँ पर सीको आती है। सीको एंजो को लंच देते हुए बोलते इसके अंदर वो सभी चीजें हैं जो तुम्हारी एच एनर्जी को बढ़ाएगा। तभी किरारा बीच में आकर बोलती है मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम टोक्यो ब्रांच से हो लेकिन एंजो इस समय हमारी टीम में है तो तुम उसे अपनी टीम में लेने की कोशिश मत करो। जिस पर सीको बोलते हैं मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है, मैंने कल एंजो से बात की थी, तुम एंजो की गर्लफ्रेंड नहीं हो तो फुदकना बंद करो। आफ्टर ऑल कम से कम एंजो मेरा एच पार्टनर तो है, तुम्हारा तो वो भी नहीं है। और ये कहकर सीको वहाँ से चली जाती है। लंच टाइम में अपना लंच एंजो देख कर खुश हो जाता है लेकिन इससे किरारा दुखी हो जाते हैं। फिर हमें किरारा को घर पर दिखाया जाता है। उससे डार्क किरारा बोलते मुझे पता है कि तुम सीको से जीतना चाहती हो तो यही मौका है, जाओ एंजो को जीत कर सीको को हरा दो। जिस पर किरारा भी राजी हो जाती है। किरारा बोलती है बस मैं तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। लेकिन तभी बाथरूम से किरारा को एंजो के साथ किसी और लड़की की आवाज आती हुई सुनाई देती है तो वो तुरंत घुस जाती है और बोलते कौन है वहाँ। लेकिन वहाँ पर चाचा होते, चाचा बोलते जल्दी से किरारा बाहर जाओ लेकिन किरारा पर तब तक एंजो भूखे शेरों की तरह कूद पड़ता है और उसे सेड्यूस करने लगता है। किरारा एंजो को दूर करने के लिए भरकर मुक्का मारते हैं जिससे एंजो होश में आ जाता है। किरारा दूसरा पंच जब एंजो को करने वाली होती है तो चाचा उसे रोकती है और बोलते इसमें एंजो की कोई गलती नहीं है। जिसके बाद एंजो कपड़े पहनकर बोलता है हम लोग तो बस 20 मोर ट्राई कर रहे थे, इसके अंदर हमारी एच एनर्जी काफी बढ़ जाती है लेकिन साथ में शरीर पर काबू भी कम हो जाता है। जिस पर एंजो को किरारा माफ कर देती है। एंजो किरारा एडवाइस देते है कि बीस्ट मोड काफी खतरनाक है तो इसे यूज मत करें। जिसके बाद हमें एंजो का सपना दिखाया जाता है जिसके अंदर किरारा कुछ छोड़कर चाचा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती है, उसे पता चलता है कि चाचा उसके साथ सोई पड़ी है। तो सबसे पहले वो चाचा को अपने रूम से निकालता है और फिर जल्दी बाजी में तैयार होकर टेबल पे रखे एनर्जी कैन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मोमोजुनू आती है। मोमोजुनू बताती है हेडक्वार्टर से मेरे लिए एक एच एनर्जी कैन आया होगा, वो ह्यूमन की एच एनर्जी को कई हद तक बढ़ा देता है। जिसके बाद हमें एंजो को दिखाया जाता है। एंजो कैन खोलकर बस एनर्जी ड्रिंक पीने वाला होता है तभी वहाँ पर सीको आ जाती है। सीको बोलते एंजो मैंने सोचा कि तुम्हें ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला होगा तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ले चलूं। आफ्टर ऑल यू आर माई एच पार्टनर। जिस पर एंजो बोलता सच बताओ तुम्हारा कोई दोस्त भी है। जिस पर सीको बात चेंज करने के लिए एनर्जी ड्रिंक ले लेती है और घूंट लेकर एंजो को ऑफर करती है। एंजो को लगता है कि वो उसे इनडायरेक्टली किस के लिए बोल रही है तो एंजो तुरंत मना कर देता है। तभी वहाँ पर किरारा पहुँच जाते। किरारा को देखकर सीको बोलते लो आगे कबाब में हड्डी। किरारा बोलते कि तुमने क्या कहा। जिस पर सीको बोलते कुछ नहीं ये ड्रिंक बहुत बकवास है। जिस पर किरारा बोलती है मुझे चेक करने दो और वो भी एक घूंट लेकर एंजो को दूसरी साइड बैठ जाती है। तभी सीको बोलती अगर तुम्हें एच एनर्जी बढ़ानी है तो मैं तुम्हें ट्रिक सिखा सकती हूँ। जिस पर किरारा बोलते मुझे कोई जरूरत नहीं है। सीको बोलते एक बार ट्राई करके तो देखो
तभी एंजो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो एच एनर्जी कैन को लेकर किरारा और सीको के साथ हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां पर अंकल एंजो को और एंजो किरारा और सीको को बताता कि एच ड्रिंक है जिसका असर कुछ वक्त में उतर जाएगा। तब तक के लिए मैं हम लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आता हूं। और एंजो वहां से चला जाता है। एंजो के वहां से जाते ही सीको किरारा से बोलते है, चलो किरारा एक कॉम्पिटिशन हो जाए, मेरे पास एच मीटर है जो इंसान की एच एनर्जी को कैलकुलेट कर सकता है, जिसकी भी वजह से एंजो की एच एनर्जी सबसे ज्यादा कलेक्ट होगी, वो हम दोनों में से जीत जाएगी। एच एनर्जी के नशे में किरारा बोलते मैं तैयार हूँ। तभी वहाँ पर एंजो आ जाता है। एंजो देखता है कि किरारा और सीको दोनों ने ही बहुत ही अट्रैक्टिव कपड़े पहन रखे हैं। तभी सीको एंजो के पास आती और बोलती है, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके मेरा नाम। एंजो बोलता मैं समझा नहीं, जिस पर सीको बोलते चलो एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो जाए, और वो माइक को लेकर चिपक चिपक कर एंजो के साथ गाने लगती है, जिससे एंजो की एनर्जी 15% बढ़ जाती है। ये देखकर किरारा अपनी तरीके से माइक रखकर उसके साथ गाने लगते, जिससे वो 34% बढ़ जाते, फिर 69। यहाँ पर एंजो एच एनर्जी लगातार बढ़ने लगते है, तो एंजो खुद को संभालते हुए दोनों को दूर करता है। लेकिन एंजो की एच एनर्जी इतनी बढ़ चुकी होती है कि मेजरमेंट करने वाला मशीन भी एंजो की एच एनर्जी को मेजर नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन तभी किरारा को होश आ जाता है। किरारा बोलती अभी यहाँ पर क्या हुआ, क्या ये तुम्हारी वजह से हुआ, जिस पर सीको बोलती है उससे मत पूछो, मुझे खुद नहीं पता कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था। जिसके बाद किरारा घर आ जाते, घर पर डाक किरारा बोलती है सीको तो एक टफ ओपोनेंट निकली। किरारा किरारा बोलती मेरा उससे कोई कंपटीशन नहीं, और तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। जिस पर डार्क किरारा बोलती है, तुम भूल गए, तुमने खुद से प्रॉमिस किया था कि तुम एंजो और अपने रिश्ते को एक और मौका दोगी। तो इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बता, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।